तो इस वाली जो वॉच को पहनने के बाद में एक फीलिंग आती है एकदम रईसों वाली। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल टेक्नो खान। आई होप एवरीथिंग परफेक्टली फाइन। अगर फाइन नहीं है तो कोई नहीं, जिंदगी में उतार चढ़ाव चलते रहते हैं। और इसी के चलते मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था कि हम अपनी गाड़ी के साउंड चेंज करने के लिए लगा सकते हैं उसके अंदर एयर फिल्टर लगा सकते हैं, और दूसरी चीज़ है उसका एग्जॉस्ट चेंज करा सकते हो। लेकिन मैंने अभी तक एग्जॉस्ट चेंज नहीं कराया, क्योंकि सोच रहा हूँ अगर एग्जॉस्ट चेंज कराऊंगा तो परमानेंटली वो एग्जॉस्ट चेंज ही हो जाएगा। उससे पहले मैं एक टर्बो विस्ल आती है मार्केट के अंदर, वो आपको इजीली तरीके से मिल जाती है। तो उसके अंदर होता है ये एक सीटी जैसी आवाज़ आती है आपकी गाड़ी में। जैसे आपने देखा होगा कि कार के अंदर बजती है जैसे टर्बो साउंड की आवाज़ होती है, सेम उसी तरीके से प्रोडक्ट आता है। तो प्रोडक्ट ये होता है कुछ इस तरीके से। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो ये है टर्बो साउंड, और इसके अंदर विसल इफेक्ट आता है एग्जॉस्ट पाइप के अंदर लगने के बाद में। और ये पूरी एलुमिनियम अलॉय होती है, और इसके अंदर ब्रैकेट वगैरह दिए होते हैं जिसके अंदर आपको दो स्क्रू एक एलन की, और जो ये लगने वाली जो साइज़ होते हैं इसके अंदर होता है स्मॉल, मीडियम, लार्ज और एक्सेल। तो स्मॉल साइज़ लगता है आपका 1000 cc से लेकर 1600 cc तक, और जो मीडियम साइज़ होता है वो लगता है 1600 cc से लेकर 2000, और जो उसका एल साइज़ होता है वो लगता है 2000 से 2400, और जो एक्सल जो साइज़ होता है जो आपने बहुत ही कम गाड़ियों के अंदर देखा होगा लगते हुए, वो आता है एक्सल जो होती है 2400 cc से ऊपर की जितनी भी गाड़ियाँ होती है उसके अंदर लगता है अपना एक्सल साइज़। तो अभी जो मेरे पास में साइज़ है वो है मेरे पास में एल साइज़। आप अपनी गाड़ी के हिसाब से ले सकते हो कि आपकी गाड़ी के अंदर कौन से साइज़ का ये जो विसल साउंड है वो लगेगा। तो आइए अभी इसको यूज़ करके देखते हैं कि इसके अंदर से वाकई में सीटी की आवाज़ आती है। क्या बोलते हैं मेरे यार, तू विसल बजा। तो आज हम अपनी गाड़ी की विसल बजा के देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सो बॉक्स में से निकालने के बाद में ये टर्बो विसल कुछ आपको इस तरीके से नज़र आएगी, और इसके अंदर दो स्क्रू होते हैं, एक पीछे की तरफ और एक आगे की तरफ। अब इसको लगाने में बिल्कुल ही ज़्यादा ईजी है, तो आप इसको जो एग्जॉस्ट का पाइप है अपना, तो उसके अंदर इसको लगा दीजिए, और ऊपर का जो इसका स्क्रू है उसको 10 mm की की से ज़रा टाइट करके देखते हैं। इसके अंदर मैंने लगा दिया और अच्छे से टाइट भी कर दिया। अब इसको स्टार्ट करके देखते हैं, तो आप देख पा रहे हो इसके अंदर साउंड। सो गाइस, देखा आपने कितनी इजी तरीके से मैंने ये जो विजल होती है अपनी गाड़ी के अंदर लगाई, और इसके अंदर से ऐसी आवाज़ आ रही थी कि समझो कोई टर्बो चार्ज गाड़ी के अंदर लगा दिया। लेकिन कुछ नहीं है, बस ये है। और अगर ये प्रोडक्ट आपको अच्छा लगा हो तो यार प्लीज़ लाइक कर देना इस वीडियो को, और अगर प्रोडक्ट चाहिए तो लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर, दोनों में मिल जाएगा आपको। अगर होलसेल में चाहिए तो आपकी शॉप के लिए तो होलसेल में मिल जाएगा, अगर रिटेल में चाहिए तो रिटेल में, दोनों लिंक मिल जाएंगे आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर। और हाँ, याद आ गया, मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में ये बोला था जो एक मेरे पास में बॉक्स आया है वो आपको जो नेक्स्ट वीडियो आएगी तो उसके अंदर अनबॉक्स करके दिखाऊंगा। तो आप लोगों ने सही गैस करा था कुछ लोगों ने, तो अब इस वीडियो के अंदर मैं आपको अनबॉक्स करके दिखाता हूँ कि उस बॉक्स के अंदर क्या है। तो सो गाइज, ये है वो मिस्ट्री बॉक्स। अब इसको अनबॉक्स करके देखते हैं कि इसके अंदर क्या है। फिलहाल मेरे को तो पता है इसके अंदर क्या चीज़ है, फिलहाल आप लोगों को दिखाता हूँ। तो इसको सबसे पहले करते हैं बॉक्स को बाहर। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो इसके अंदर मिल जाते हैं हमारे 4 बॉक्स। अब इसको निकालते हैं। सो इसके अंदर है एक वॉच, सो इसके अंदर भी वॉच, और इसके अंदर देखते हैं हम स्ट्रैप, और इसके अंदर भी एक स्ट्रैप। तो देख पा रहे हो आप कितनी कूल लग रही हैं ये जितने भी वॉचेस हैं। सो बॉक्स में से निकालने के बाद में ये डाउन की वॉचेस कुछ इस तरीके से नज़र आती है। जो इनकी बिल्ड क्वालिटी है वो बहुत ही ज़्यादा शानदार है, आप देख पा रहे हो। तो ये अच्छे खासे इसके अंदर वेट है, और देख पा रहे हो ये पीछे से इसके अंदर एक लेदर स्ट्रैप, जिसका स्ट्रैप आप रिमूव करके ये जो इसके साथ में स्ट्रैप आए ये लगा सकते हो। और इसको लगाने के बाद में, वॉच को पहनने के बाद में फीलिंग आपको एक अलग ही आने वाली है। तो ये है, देख पा रहे हो, ये सेकेंड वॉच और ये है फर्स्ट वॉच। कमेंट करके बताइए आपको कौन सी वाली वॉच है अच्छी लग रही है। तो ये इसका स्ट्रैप है और ये इसका स्ट्रैप है। आप इसको स्ट्रैप को एक दूसरे से एक्सचेंज करके पहन सकते हो, और पहनने के बाद में काफ़ी अच्छा जो लुक देने वाली है। तो मैं आपको दिखाता हूँ इसको वॉच को पहन के। सो देख पा रहे हो आप पूरे हाथ में कितनी अच्छी लग रही है ये वॉचेस, और जो वॉच की क्वालिटी है भाई मैं शानदार लग रही है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मेरे को वॉचेस पहनने का काफ़ी ज़्यादा शौक है, और ये प्योर लेदर के इसके अंदर एक स्ट्रैप लगे हुए जो आप इसको कोई से भी स्ट्रैप से चेंज कर सकते हो। सो ये है सेकेंड वॉच, जिसका स्ट्रैप है ब्राउन कलर का, और इसके जो डायल है ये है वाइट कलर का, और सिल्वर कलर की वॉच है। और आप देख पा रहे हो इसकी भी क्वालिटी बहुत ज़्यादा शानदार है, और आप किसी भी से
अपने वेकेशन पे हो, चाहे आप किसी पार्टी में जाना हो, तो पहन के जा सकते हो इस वॉच को। और अब इसका स्ट्रैप चेंज करके दिखाता हूँ मैं आपको एक दूसरे से। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो, इसके भी पीछे है एक डाउन की ब्रांडिंग और इसका स्ट्रैप चेंज करते हैं हम। ये पीछे आप इसका एक लॉक देख रहे हो, तो बस हमने इसको पीछे की तरफ खींचना है और आप ये कोई सा भी स्ट्रैप इसके अंदर लगा सकते हो। जैसे इसको इस तरीके से लगाइए, सो ये हो चुका है एकदम इसके अंदर परफेक्टली तरीके से फिट। अब जैसे कि ये अला स्ट्रैप है तो सेम इसी तरीके से ये भी निकल जाएगा। सो बहुत ही ज़्यादा सिंपल होता है इन स्ट्रैप को लगाने के लिए। और इसी तरीके से इसके पीछे भी एक लॉक दिया हुआ है, तो आप इस लॉक को बस इसके अंदर लगा देना है। अब इसको मैं पहन के दिखाता हूँ। तो इस वाली जो वॉच को पहनने के बाद में एक फीलिंग आती है एकदम रईसों वाली। सो देख पा रहे हो ये वॉच एकदम कूल दिख रही है। आप इसका जो गोल्डन कलर हो देख पा रहे हो, गोल्डन कलर इसका कितना चमक रहा है, काफ़ी में अल्टीमेट वॉच। सो अगर आप इस वॉच को बाय करना चाहते हो, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। अगर आप मेरा कूपन कोड यूज़ करते हो टेक्नो खान, तो आपको फ्री शिपिंग मिल जाएगी इंडिया के अंदर, जो शिपिंग होगी आपके 5 से 6 दिन के अंदर। तो बस यही था आज की इस वीडियो में, मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन बाय।